आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। मोतिहारी 19 फरवरी 2020 बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को तीसरे दिन भी सुगौली में शिक्षकों की हड़ताल जारी रही। नियोजित शिक्षकों के तीसरे दिन भी हड़ताल के कारण सुगौली प्रखंड के स्कूलों में ताले लटके रहे। समान काम के बदले समान वेतन के लिए शिक्षकों ने BRC कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। वेतनमान एवं सरकारी दर्जा की मांग को लेकर शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संघ के संयोजक अखिलेश कुमार ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मौके पर संजीव मिश्रा, नितेश सिंह, बाबूलाल बैठा, अभय कुमार, रुपेश मिश्रा, नीलिमा भारती, रेखा कुमारी, खुर्शीद आलम इत्यादि शिक्षक मौजूद थे। मोतिहारी से रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। नहीं लड़ रहे हैं, हम आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका भी भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमको दमखम से लड़ना है और इस चीज को साबित कर देना है कि हम जो है सो एक है, हम अलग अलग नहीं है। ऐसी भावना जो है अपने दिल में नहीं रखना है कि वह जो है सो दूसरे संघ से है और तीसरे संघ से है, चौथे संघ से है। इस समय एकता का परिचय देना बहुत जरूरी है। युद्ध में एकता को प्रदर्शित करना ही सफलता की कुंजी है, इसलिए हम लोग एक होकर के और अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए इस लड़ाई को जीते और जीत करके अपने विजयी झंडा को फहराएंगे। हम लोग निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कृष्णनंदन वर्मा जी जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको यह अभी पता नहीं है कि अपने बिहार में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने विद्यालय हैं और विद्यालय बंद है कि नहीं है। बिहार को कौन कहे कि इस देश के लोग जानते हैं कि बिहार का प्रारंभिक जो विद्यालय है पूर्ण रूप से बंद है। लेकिन उनसे पूछा गया, एक जो है सो मीडिया वाला भाई पूछ रहा है कि आप बताइए आप कि बिहार में जो है सो शैक्षणिक व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप है, तो बोल रहा है कि आप जो है सो अपनी वाणी में सुधार कीजिए, कहीं शैक्षणिक व्यवस्था ठप नहीं है।